एके मिश्रा जी, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं। राशिद, आपका कथन स्टेटमेंट सही है और हाथ खोल करके ही होगा, उसके पीछे रीजन है, हाथ खोलने के पीछे तर्क है। गवर्नमेंट के पास आज पैसे की कमी नहीं है, टैक्स वगैरह हर सेक्टर से गवर्नमेंट ने बहुत पैसे जो है कलेक्ट किए हैं, तो ये गवर्नमेंट की संचित निधि है। सवाल ये है कि चुनावी गंगा अभी 2-3 महीने के बाद अवतरित होने वाली है और उसमें भाजपा जैसी माहिर जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के सिद्धांतों में विश्वास रखती है उसके राजनेता या वित्त मंत्री कोई भी डुबकी ना लगाएं, ये संभव नहीं हो सकता है। देखिए, सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एक जो बजट होता है गवर्नमेंट का, बिना किसी मतलब राजनीतिक अगर उसके देखा जाए तो 3-4 सेक्टर को ये कवर करते हैं। ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने की बात उसमें होती है, फंडिंग वगैरह सारी चीज़, रिसोर्स एलोकेशन होते हैं, पैसे किसको किस सेक्टर को कितना देना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की जाती है एग्रीकल्चर को, जो कि लगभग 16% का GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और 35% तक का लगभग रोजगार, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। तीसरा सबसे बड़ा स्टेक होता है कॉमन पीपल, कॉमन पीपल की बात आपने की है उसको मैं कॉमन पीपल बोल रहा हूँ, वोट इनको साधना है। बड़े घाव इन्होंने दिए हैं, जैसे नोटबंदी करके, देखिए वो सही था गलत था क्या था मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों को तकलीफें तो हुई हैं, फाइनेंस फ्लो एक बार बंद हुआ, इकोनॉमी को एक सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम पे आप डाल रहे हो, जो भी विजन रहा हो अच्छा हुआ सही हुआ, उसके कारण अब इनके पास क्या है, वोट को कन्वर्ट करने के लिए ये ऐसी चीजें देंगे, पैसे की इनके पास कमी नहीं है। पहला टारगेट ये होगा कि ये ऐसे प्रोविजंस करेंगे कि आदमी तुरंत साई ऑफ रिलीफ जिसको बोलते हैं ना, आदमी को लगे कि यार ये 5 साल तक इतनी हमने तकलीफें झेली हैं, अब ये चीजें जो है कम हो गई। अब इसमें देखिए होगा क्या, टैक्स स्लैब, मिडिल क्लास अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, वो भी परेशान हुए हैं, 2.5 लाख पिछली बार भी 2.5 लाख था, इन्होंने छूट नहीं दी, मे बी पॉसिबल 3-3.5 लाख या 5 लाख तक ये कर दें, इसकी चर्चा भी अभी हो रही थी। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है वो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर क्यों, देखिए किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे कॉस्टली होना, MSP वगैरह देना, उनका जो है खरीद का जो मूल्य होता है, इन चीज़ों पे भी फोकस होगा। दूसरी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सरकार कोशिश ये करेगी कि पूरे पब्लिक को सबसे पहले ये एहसास हो कि भाई महंगाई कम हो गई है, घर की जो गृहिणी है वो सरकार कोशिश ये करेगी कि इस एक महीने में बजट पेश होने के बाद जब वो नेक्स्ट मंथ अपना पूरा बिल जाए किराना के दुकान पे तो उसको लगे कि महीने में हम 20,000 खर्च करते थे अब 15,000 पे आ गए हैं। ये वोट बैंक को साधने का तरीका है, टेम्पररी तरीका है, तो सरकार ऐसे चीजों को यहाँ पे देगी कि इमीडिएट जनता को ये रिलैक्सेशन हो, चाहे वो टैक्स का स्लैब वो बढ़ा दे, चाहे किसानों के लिए कुछ ऐसा ये ऋण वगैरह माफ कर दे या एक स्लैब बना दे, या उसके बाद पेट्रोल डीजल वगैरह महंगाई जिससे कम हो, इस चीज का एहसास हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम ये घटा दे। ये कंट्रोल्ड चीजें होती हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। टैक्सेशन वगैरह में, GST वगैरह में एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो इनसे बहुत बड़ा नाराज था, वो था स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी छोटी मोटी किराना की दुकानें हैं, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल प्रोविजन देंगी, चाहे वो GST में, टैक्सेशन में छूट करें या किसी और तरीके की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ इनको दें, अगर कहीं टैक्स लग रहा है कोई चीज कॉस्टली हो। ओवरऑल ये परसेप्शन ऐसा बनाएंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एलोकेट करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकता है ये कुछ लॉन्च कर दें ताकि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हो। ओवरऑल पूरे ग्लोबल सिचुएशन में देखा जाए तो भारत की छवि को भी निखारना है, टेक्नोलॉजी वगैरह को भी करना है, एग्रीकल्चर पे ये विशेष फोकस देंगे। एक तो एग्रीकल्चर वाकई में पिछड़ा हुआ है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, किसानों की नाराजगी इनको झेलना पड़ा है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फोकस करेंगे, पहले भी किया था लेकिन अभी भी ये ऊंट के मुंह में जीरा है, तो ऐसे सारे सेक्टर्स को ये कवर करेंगे कि इनका जो मेजर वोट बैंक है मिडिल क्लास, स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्रेन्योर्स, गृहड़िया हो गई, उन सब चीजों को फौरी तौर पर रिलैक्सेशन, यानी बजट वो पढ़ रहे हैं और उसका जो है असर लोगों के दिमाग पे पड़ना शुरू हो जाए, ये चीज फोकस करके ये बजट बनाया जाए। आप तो इतना कुछ बता रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक नहीं आए, पता नहीं भगोड़े साबित हुए हैं या मेरे सवालों का सामना नहीं करना चाहते। एके मिश्रा जी, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं। अच्छा, उम्मीद कम है लेकिन उम्मीद फिर भी पाले हुए हैं। विवेक का फोन बहुत पहले टूट गया था राशिद, लेकिन अब इस छोटे से फोन से काम चलाना पड़ रहा है। बड़ा फोन लेने के लिए प्लान तो करते हैं कि स्मार्टफोन हाथ में आ जाए, लेकिन इंतजार कर रहे हैं बजट का कि गैजेट्स पर पैसे कम हो। क्यों विवेक, आपका दोबारा आते हैं। एके मिश्रा जी, देखिए ना, किसी को सस्ता फोन चाहिए, किसी को सस्ते कपड़े चाहिए, कोई ये कहता है कि एजुकेशन सेक्टर को कुछ मिल जाए,
क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं अंतरिम बजट से? देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, हम लोग एकदम साधारण सामान्य आदमी है। रचना मैम ने जो बोला और न्यूज रूम में जो सहयोगियों ने बोला, भाई फोन तो मेरे पास भी बड़ा बेसिक है, और डिजिटल इंडिया में मेरा फोन आनंद विहार में खो गया, दिल्ली सरकार की जो पुलिस है वो ढूंढ नहीं पा रही है, रिपोर्ट लिखाई है। बीजेपी के नेता जी आ गए तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार की पुलिस आपके अंडर में काम करती है, हो सके तो डरवा दीजिए। मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें डेफिनेटली पूरी होंगी। हम जो सामान्य आदमी हैं और जो हमारी रोजमर्रा की चीज़ें हैं, हमारी जिंदगी बड़ी लिमिटेड है सर। लिमिटेड होने का मतलब, आप एक गृहिणी को देखिए, एक फैमिली को देखिए जो मिडिल क्लास है, उनकी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर दूध आया, चाय की पत्ती है, राशन है, पानी है। और मैम ने जो अभी बोला कि भाई श्रृंगार के साधनों पर, प्रोडक्ट पर, हालांकि गवर्नमेंट लग्जरी को कभी भी कंसीडर नहीं करती है और हर गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। दाल को देखिए ना कहां पहुंच। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप गलत कह रहे हैं। बेटियों को सर, मैं मर्सिडीज बेंच के ऊपर टैक्स, ये छूट थोड़ी देंगे अपने सरकार की जो है, मिट्टी प्लीज थोड़ी करेंगे लग्जरी आइटम पे ये छूट देके। विपक्ष इनको घेर लेगा कि आप वैसे ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि बड़े बड़े आप उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लग्जरी चीजों पे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस वगैरह ज्यादा फेवर नहीं करती है। कॉस्मेटिक हो गया, लाइफ स्टाइल के जो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो नेसेसिटी होती है उस पर कुल मिला के घूम फिर के, मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में टैक्सेशन वगैरह कुछ ऐसे हो जाएंगे कि उनके दाम कम हो जाएंगे। ठीक है, जीएसटी में ही मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए पेट्रोल वगैरह कुछ है, अगर आप 2-4% गवर्नमेंट अपना डिडक्शन कर दे टैक्स का, तो उतना परसेंट तो उसकी प्राइस तुरंत घट जाती है। हालांकि जो करता है उसी से जनता की उम्मीद होती है। ये चाह रहे हैं, और 56 साल के कोड को हम 56 महीने में तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हमने एक देश तैयार किया। 5 साल में ठीक करने का दावा किया गया था सीना ठोक के। अब आपको अच्छा इस बार ये बता दीजिए, पहले आप बोलते थे 5 साल, कितना आपको 50 साल चाहिए, 60 साल चाहिए, 500 साल, एक सीमा बता दीजिए, उसके बाद हम लोग सवाल पूछेंगे या जानकारी। सवाल पूछने की तो हैसियत में नहीं है, जानकारी कितने साल चाहिए सर कौन कौन से काम के लिए वो बता दीजिए। भारत को विश्वगुरु बनाने में कितने साल आपको चाहिए, 15 लाख रुपए हर खाते में डलवाने के लिए कितने साल चाहिए, ये सर मुझे। पेट्रोल के दाम 35 रुपए लाने में आपको कितने साल चाहिए। शरीचा सूद भी कुछ कहना चाहते हैं, दिनेश जी से शरीचा सवाल। मैं नमन करता हूँ आपकी ईमानदारी, आपकी फीलिंग, आपकी पार्टी को मेरा नमन है। शरीचा सूद भी शायद कोई सवाल करना चाहते हैं, सुमित दीक्षित के बाद भी जाना। ऋचा जी आप सवाल कर, हमने 5 साल में, हम 5 साल में नहीं मिश्रा जी, हम 1 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, घंटे भर का नहीं, मिनट का नहीं, हम सेकंड सेकंड। सुनिए मेरा, कांग्रेस का रोना छोड़ दीजिए, आप सुनिए, इतने दिन के घंटे से आप चिल्ला रहे हैं, मेरा सवाल पूरे टाइमिंग को लेके है सर, कितने साल आपको चाहिए मुझे बताइए। जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कर लें। सुमित दीक्षित और अब्बास अली जादी जी के बाद भी दो तरह की कार्य योजना बनानी पड़ती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। हमारी सरकार दोनों को सुमित दीक्षित जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सुमित, हाँ ठीक है, सुमित दीक्षित जो कि रियल एस्टेट, सर 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 ठीक है, मिश्रा जी एक सेकंड, सुमित दीक्षित सस्ता घर मिलेगा क्या? डिबेट का वक्त भी पूरा हुआ। सिद्धि जी, नरेश बाजारी, रुशदी जी, आप बोले 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 जल्दी से, जनधन खाते खुले, आपको दिक्कत क्यों हो रही? और ठीक है, तीन सुन लिए, कितने बंद हो गए जनधन खाते, जल्दी बोलिए, और रियल एस्टेट का जवाब आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी। भाग दिखाकर लोग अपनी मेहनत कमाई का पैसा इकट्ठा करते थे, घर में लगाते थे, भाग जाते थे। अब्बास अली जादी रुशदी जी, तारा सिंह बिष्ट जी, सुमित दीक्षित जी, ऋचा सूद जी, एके मिश्रा जी, डॉक्टर आशुतोष, अजितेश, दिनेश जी और रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।